हेलो एंड वेलकम टू द एटीट्यूड एकेडमी। आई एम तुराब हैदर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बजट एंड कंट्रोल। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी फर्म और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में बजट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बजट से हमारा मतलब ये है कि उसके खर्चों को नियंत्रण करने के लिए या उसके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, उसके रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हम एक बजट बनाते हैं। ठीक है, बजट कई तरह से बना सकते हैं हम। हो सकता है कि सारे एक्सपेंसेस का एक साथ बजट बना रहे हो, या फिर अलग अलग एक्सपेंसेस अलग अलग बजट बना रहे हो। बजट को हम मंथली वाइज डिवाइड कर सकते हैं, ईयरली वाइज डिवाइड कर सकते हैं, या 6 मंथ के पीरियड के लिए भी बजट बना सकते हैं। बजट से बनाने से मतलब ये है कि सारे खर्चों को नियंत्रण करके, कंट्रोल करके हम आगे के फीचर्स के लिए प्लानिंग कर सकें कि कैसे हमें बजट बनाना है, क्या करना है, कैसे उसे मेंटेन रखना है। अगर हमारा अंडर बजट चल रहा है तो अगले साल के लिए कैसे हमें प्लानिंग करनी है, अगले पीरियड के लिए हमें कैसे प्लानिंग करनी है। अगर हमारा बजट ओवर जा रहा है तो हमें कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है, कैसे उसको मेंटेन करना है, कैसे उसे नियंत्रण करना है, वो सारी चीज़ें हम बजट कंट्रोल में सीखेंगे। ठीक है, हम एक सैलरी एक्सपेंस का बजट बना के चलेंगे। ग्रुप वाइज भी बजट बना सकते हैं, और हम पर्टिकुलर एक लेजर लेजर वाइज भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बजट कैसे बनाते हैं और कैसे उसको कंट्रोल करते हैं और कहाँ पे उसको हम देख सकते हैं। तो सबसे टैली ओपन कर लीजिए आप। टैली ओपन करने के बाद आपको एक कंपनी आपकी होनी चाहिए। चलिए मैं बजट के नाम से बना लेता हूँ। बजट मेरी कंपनी का नाम है। सबसे पहले बजट के फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको F11 F1 प्रेस करना है। F11 F1 अकाउंटिंग फीचर्स पे आपको जाना है। यहाँ पे ऑप्शन होता है राइट हैंड साइड में बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में, मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, इसको हमें यस रखना है। जैसे आप बजट एंड कंट्रोल को यस रखेंगे, उसके बाद आप अकाउंटिंग फीचर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा बजट का। इसको ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एक बजट बना रहे हैं सैलरी एनुअल बजट के नाम से। किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक का बनाना है, अगर पूरे साल का बना रहे तो पूरे साल का। ग्रुप पे भी नहीं बना रहे हम लेजर पे बना रहे। लेजर को यस रखेंगे। यहाँ पे ओल्ड सी करके एक एक्सपेंस का लेजर बना लेंगे, सैलरी एक्सपेंस अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हम बना लेते हैं। इसको हम सेव करेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है, आप जो बजट का टाइप रखना चाहते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस के भी आप रखना चाहते हैं, यानी बिल्कुल लास्ट में देखना है आपको, या ऑन नेट ट्रांजेक्शन, जो भी आप डे बाई डे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से करना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रखना चाहते हैं। मैं क्लोजिंग बैलेंस के बिहाफ पे रख लेता हूँ। 1 लाख रुपये का बजट मैंने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, सैलरी का 1 लाख रुपये का बजट मैंने डिफाइन कर दिया है। उसके बाद क्या होगा, डे बाय डे से ट्रांजेक्शन चलती हैं। सैलरी को हम एक्सपेंस के रूप में करेंगे तो अब हमारे पास बैलेंस भी होना चाहिए। तो लेजर्स में जाके हम अल्टर कर लेते हैं कैश को। कैश से हम सारी पेमेंट करेंगे। सपोज मेरे पास 2,50,000 रुपये का कैश बैलेंस है यहाँ पे अवेलेबल। अब मैं करूँगा अकाउंटिंग वाउचर में पर मंथ की जाके सैलरी पे करूँगा। सैलरी एक्सपेंस डेबिट 15,000 रुपये फर्स्ट मंथ में दे दिए मैंने। उसके बाद कैश क्रेडिट कर दिया मैंने। उसके बाद एक और एंट्री पास की 1 मई में जाके, सैलरी एक्सपेंस मैंने डेबिट कर दिया 25,000 रुपये पे किए हैं। ठीक है, एक और एंट्री पास कर लेता हूँ 1 जून में जाके। ठीक है, यहाँ पे मैंने सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया है 15,000 रुपये से। ठीक है, कैश को क्रेडिट कर दिया है। एक और एंट्री पास कर लेता हूँ 1 सात में जाके, सैलरी एक्सपेंस डेबिट। हर मंथली वाइज जैसे ट्रांजेक्शन चलती है सैलरी की, वैसे हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन देते जा रहे हैं। ठीक है, अब अभी तक मैंने जितनी भी एंट्रीज की हैं उसके बिहाफ पे मुझे अपना बजट देखना है कि मैं अंडर बजट चल रहा हूँ या मेरा ओवर बजट जा, वो मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले आप डिस्प्ले पे आ जाएंगे। डिस्प्ले में आपको आना है ट्रायल बैलेंस पे। आपके ट्रायल बैलेंस पे आने के बाद आपको आना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे, क्योंकि सैलरी अंडर इनडायरेक्ट टैक्स की आती है। सैलरी पे आने के बाद आपको ओल्ड बी, बी फॉर बजट प्रेस करना है। ओल्ड बी प्रेस करके बाद जिस नाम से आपने बजट बनाया था वो यहाँ पे शो करेगा। सैलरी एनुअल बजट के नाम से हमने बनाया था तो यहाँ पे सैलरी एनुअल बजट दिखा मेरा। इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें क्लियर हो पा रहा है कि सैलरी एक्सपेंस का 1 लाख का एक्चुअल में हमने बजट डिफाइन किया था। 70,000 रुपये यानी एक्सपेंस 70,000 रुपये का हम कर चुके हैं एक्चुअल में। ठीक है, अभी तक। ठीक है, और अभी हमारा पेंडिंग में पड़ा यानी क्लोजिंग बैलेंस के बिहाफ पे वो बता रहा है कि 30,000 रुपये अभी पेंडिंग, यानी हम अभी अंडर बजट चल रहे हैं। चलिए मैं 2-4 एंट्री और पास कर लेता हूँ यहाँ पे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे मैंने सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया 25,000 रुपये या 20,000 रुपये की एंट्री और पास कर दी मैंने एक। उसके बाद एक 8 को एक एंट्री जाके मैंने पास कर दी सैलरी की। ठीक है, मैंने 15,000 रुपये की एक एंट्री और पास कर दी। अब देखिए आप बजट जो है अब क्या शो करता है। डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस में जाना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ओल्ड बी प्रेस करें आपको।
सैलरी एनुअल बजट यहाँ पे दिखा रहा है कि 1 लाख रुपए का बजट था, 1,05,000 रुपए मेरा खर्च हो चुका है, यानी 105% हमारा बजट जा, और माइनस में 5%, यानी ओवर बजट जा रहा है। माइनस में जाने का मतलब है कि मेरा वो ओवर बजट जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। अगर हमें किसी ग्रुप के ऊपर बनाना होता तो हम एक ग्रुप के ऊपर भी बजट को बना सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग इन्फो पे जाने के बाद आप बजट पे जाएंगे। इसी को मैं अल्टर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से एनुअल बजट की जगह अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस एनुअल बजट, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एनुअल बजट बना रहा हूँ, कब से लेके कब तक का है इसको मैं ग्रुप को यस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप, ठीक है। ये सारे ग्रुप पहले से क्रिएट हैं, आपको सिर्फ सेलेक्ट है। क्लोजिंग बैलेंस के बिहाफ पे मैंने 1 लाख रुपए का बजट डिक्लेयर कर दिया है, इसे मैं नो ही रखता हूँ लेजर को, ठीक है। अब जैसे हर महीने ट्रांजेक्शन होती है, जैसे अभी मैंने कर ही रखी है ट्रांजेक्शन सारी, बैलेंस शीट पे आप जाके डे बुक में जाके चेक कर सकते हैं कब से लेके कब तक की कितनी एंट्रियाँ मैंने पास कर रखी हैं। सारी सैलरी की दे रखी हैं, कुछ को मैं अदर एक्सपेंस के लिए भी कर लूँ, सपोज रेंट के लिए कर दिया, रेंट एक्सपेंस बना लिया एक, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जितने भी बजट आते हैं वो सारे हम पे बना लेंगे ओल्ड सी करके, ठीक है। यहाँ सेल सॉरी सॉरी यहाँ पे एक और बना लेते हैं ओल्ड सी करके, आरएनटी रेंट एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे मैंने बनाया, ठीक है। जितने भी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो यहाँ पे मैं एक एक करके दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे सैलरी की जगह एक और लेजर क्रिएट कर लेते हैं, CONVAYANC कन्वेंस एक्सपेंस का अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा ये भी मेरा, ये मैंने कर लिए हैं, ठीक है। तो ये सारी एंट्री मैंने की हैं, अब मुझे ये चेक कर रहा है मेरा अंडर बजट जा रहा है या ओवर बजट रहा है अकॉर्डिंग टू द बिहाफ ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, ठीक है। तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे आना है डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे आने के बाद ऑल्ट बी प्रेस करना है, बी फॉर बजट। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस एनुअल बजट आ रहा होगा, इसको एंटर करना है आपको। यहाँ पे आप दिखा रहा है कि 1 लाख रुपए का बजट था, 1,05,000 रुपए आपके खर्च हो चुके हैं, यानी माइनस में आपका 5% जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाएगा ये सारा सिनेरियो किस पे क्या क्या गया है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। ऑल्ट एफ वन करके आप फुल डिटेल देख सकें, ठीक है। 20,000 रुपये कन्वेंस पे खर्च हुए हैं, रेंट पे 25,000 और सैलरी पे आपने 60% चुके हैं, यानी टोटल 60% है आपका, ठीक है जी। माइनस में जा रहा है आपका 5%। तो यहाँ पे इस तरह से आप बजट बना के चेक कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, आने वाले खर्चों को नियंत्रण कर सकते हैं। अब ये डिपेंड कंपनी के ऊपर करेगा कि वो खर्चों को नियंत्रण से करती है, कॉस्ट कटिंग करके करती है, या कुछ ऐसे एम्प्लॉयज को हटाती है जिनकी उसे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये सारा डिपेंड ऑन द कंपनी करेगा, मगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट डिफरेंट बजट बना सकते हैं टैली के अंदर। ये सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए एडूट अकेडमी के साथ और सीखते रहिए टैली। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।